हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला आज़म जी। कैसे हैं आप सब? तो आज है जुम्मा और मैंने सोचा कि आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बच्चों से। ये हैं मेरे दोनों बेटे, मेरे सपूत। चलो सलाम करो दाई। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं, ये देखिए सर को जा रहे हैं। ये हैं दाई आज़म, ये मेरे बड़े बेटे हैं, और ये हैं अजान आज़म। अजान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक बोलो। जुम्मा मुबारक। तेज तो बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। हाँ, जुम्मा मुबारक। तो जी, ये दोनों हैं मेरे बेटे, और ये माशाल्लाह से ये मेरा सब में छोटा बेटा है, ये मेरा सब में बड़ा बेटा है। और ये दोनों जो हैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे ही वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दाइम बोलो, कुछ कुछ भी बोलो, बात करो। कैसे हो लोग? ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मामा को सपोर्ट करें। मामा का नया चैनल है, मामा को सपोर्ट करें, नया चैनल है। और पढ़ने को जाओ। बोलो जल्दी, बोलो क्या बोलो। चलो अजान बोलेगा। अजान बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। मुझे अजान को आ रही है शर्म। अजान का जो है वो सर मुंडवाया है इनके पापा ने, इनको गंजा करवा दिया है, तो ये टोपी लगा के बैठे हुए हैं। तो ये हो नहीं रहे थे गंजे, इन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं होना गंजा। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये माशाल्लाह से 6th क्लास में है, और ये दाइम, ये अजान है, अजान जो है 4th क्लास में है। तो ये दोनों मेरे बेटे हैं, और बस ये अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ करो दोनों जी। तो ये थे दाइम अजान, इनसे आपको मैंने मिलवा दिया। इसके बाद मैंने पढ़ी नमाज, साथ ही मेरी बेटी भी मेरे नमाज़ पढ़ रही थी, हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी, उसके बाद मैं चली गई थी खाने की तैयारी करने। तो आप सबको भी मेरी तरफ़ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। तो जी, दोपहर में समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा आलू की ताहिरी बना लें। आलू की ताहिरी, आलू वाले चावल को कहते हैं, आलू वाला पुलाव भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बचपन से सुना है कि ताहिरी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ आलू की ताहिरी ही कहा जाता है। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला था ऑयल, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डालनी है प्याज। और मैंने देखा, आपने सारा सामान देखा होगा, मैंने प्याज के साथ ही इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाले, जिसमें तेज़पात का पत्ता था, बादियानी फूल थे, काली मिर्च थी और दालचीनी वगैरह थी, ये मैंने प्याज में ही ऐड करके रख दिया था। और अब इसके साथ ही प्याज ब्राउन होगी। तो आप लोगों के घरों में क्या कहते हैं आलू वाले चावल को, आप लोग मुझे बताइएगा। और यकीन करें, आलू की ताहिरी बहुत मज़े की बनती है। बचपन में हमारी अम्मी बहुत मज़े की बनाया करती थी, हमारे घर में एक मशहूर खाना था ये, हमारी पप्पू की बेटियां वगैरह चपाती थी, तो वो हमारी अम्मी से फरमाइश करती थी कि आलू की ताहिरी बना लें, जो बहुत मज़े की बनती थी। तो जी, ये देखें मैंने इसमें डाल दिया आलू। आलू डालने के बाद मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, और मैं बहुत कम चावल की बना रही, तकरीबन 2 गिलास चावल के मैंने बनाने थे, तो ये मेरे लिए काफ़ी थी। मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज ब्राउन होने के बाद आलू डाले हैं, और अब मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं अभी कम शामिल करूँगी, फिर मैं चावल जब डालूँगी तो थोड़ा सा मैं तब भी इसमें ऐड करूँगी। तो जी, इनको टमाटर को थोड़ा सा ऑयल में भून भी रही थी साथ साथ, और पहले मैंने डाली है इसमें कुटी हुई मिर्च जो कि ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पूरा डब्बा झाड़ दिया था इसके अंदर, और तकरीबन ये 2 चम्मच डाली थी। और फिर डाली है मैंने टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे बड़े वाले, और पुदीना ये मैंने धो के काट के रखा था, तो ये मैंने पुदीना भी इसमें ऐड कर दिया है। तो जी, मसाला तकरीबन हमारा सब चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, और अब इसको मैं भूनूंगी। तो जुम्मे वाले दिन अमूमन ये होता है कि दोपहर में या तो चावल हो या बिरयानी हो, तो बिरयानी मैं दोपहर में नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, तो हम लोग दोपहर में बिरयानी नहीं बनाते। बिरयानी फिर हमारे यहाँ रात में बनती है, या तो सैटरडे नाइट को बनती है, या बनती है जुम्मे वाले दिन रात में, क्योंकि अगले दिन बच्चों ने भी स्कूल नहीं जाना होता है और छुट्टी भी होती है, तो फिर ये होता है कि बिरयानी बना लो। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ हफ्ते की रात बिरयानी बनती है, या कभी कभी जुम्मे की रात भी बन जाती है। अब मैंने इसमें डाला है आधी प्याली दही, और दही डालने के बाद बस मैंने उसको थोड़ा सा भून के इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया, और इसको मैंने रख दिया है दम पर।
उसके बाद मैंने सलाद रायता भी बनाया था जिसकी वीडियो में नहीं बना सकी। देखिए जी, मसाला मेरा अच्छी तरह भुन गया है, आलू मेरे गल चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है और आप मसाले की शक्ल देखें, बहुत मज़े की तहरी बनती है। अब यकीन करें, जब कुछ समझना है तो आलू की तहरी बनाएं और मज़े से खाएं, साथ में सलाद रायता होता है तो और मज़े की बनती है, तो ये बिरयानी से कम नहीं होती। तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हमें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती है। चावल मैंने पहले से भिगो दिए थे 15 मिनट पहले, तो मैंने इसमें डाले हैं चावल। मैं पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने हल्का सा ऐड किया था क्योंकि नमक कम था चावलों के हिसाब से। तो जी, जुम्मे वाले दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज बहुत बड़ा दिन होता है, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियां दिखाए। मेरी जुम्मे की रूटीन बस यहीं तक थी। शाम की रूटीन, शाम का व्लॉग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी शाम में कि भी क्या करना है। अब मैंने इसमें शामिल किया है नमक, और नमक शामिल करने के बाद तब इसे मैं ढक दूँगी, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा हम इसे दम पर रखेंगे। तो जी, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो ये फाइनल चैप्टर है मेरी की।